नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। तालिबान की भारत को गीदड़ भपकी, कहा कि भारत अफगानिस्तान में अपनी आर्मी नहीं भेजेगा तो अच्छा रहेगा। भारत ने दिया दो टूक जवाब, ताकत के बल पर बनी सरकार माने नहीं। तालिबान लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है और अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान सिमटता जा रहा है। अफगानिस्तान के कंधार समेत 19 प्रांतों पर तालिबान कब्जा कर चुका है और अब काबुल भी कुछ किलोमीटर बस दूर है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने भारत को गीदड़ भपकी दी है और कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं रहेगा। अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलिट्री का हाल आप देख चुके हैं, इसलिए मसला एक खुली किताब है। तालिबान प्रवक्ता ने शनिवार को न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में ऐसा कहा कि भारत यहां मिलिट्री ना भेजे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप हश्र देख चुके हैं। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपनी आर्मी अफगानिस्तान में ना भेजे तो अच्छा रहेगा। अफगानिस्तान फिलहाल मजबूत होता जा रहा है और हर दिन अफगानिस्तान के किसी शहर पर कब्जा जमाता जा रहा है। तालिबान प्रवक्ता ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में जो मदद की है वह अच्छा है। अफगानिस्तान के पंक्तियां में गुरुद्वारे से निशान साहब का झंडा हटाने की घटना पर तालिबान प्रवक्ता का दावा है कि झंडा सिख समुदाय ने खुद ही हटाया था। जब हमारे सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचे तो सिख समुदाय ने कहा कि कोई झंडे को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमने उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो उन्होंने झंडा फिर से लगा दिया। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि दूसरे देशों के दूतावासों और अधिकारियों को तालिबान से कोई खतरा नहीं है, ये बात हम कई बार कह चुके हैं और हमारा कमिटमेंट है। तालिबान प्रवक्ता ने भारतीय डेलीगेशन से बातचीत की रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि बीते दिन दोहा में हुई मीटिंग में भारतीय डेलीगेशन जरूर शामिल था, लेकिन अलग से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। जब तालिबान प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या ये भरोसा दे सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, इसके जवाब में उसने कहा कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटमेंट करते हैं कि अफगानी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। तालिबान प्रवक्ता ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से रिश्ते होने की बात को भी नकार दिया है। तालिबानी प्रवक्ता का कहना है कि ये सिर्फ आरोप लगते हैं, तय नीतियों और राजनीति लक्ष्यों की वजह से लगाए जाते हैं, लेकिन ये तो सच है कि तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा है, बड़ा किया है, इतना मजबूत किया है कि आज अफगानिस्तान के करीब 75% इलाके पर अपना कब्जा जमा चुका है। ऐसे में भारत के खिलाफ साजिश ना रचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान मजबूत हो, सशक्त हो और आतंकवाद बढ़े, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन फिलहाल तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि भारत आर्मी ना भेजे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और देश की भी आर्मी आई थी, उनका हश्र क्या हुआ। यानी भारत को यह गीदड़ भपकी देने पर लगा है तालिबान। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।